दोस्तों, हमने आपको ये वन पेज का ग्रोथ प्लान बताया। इस वन पेज के ग्रोथ प्लान के अंदर हमने आपको तीन सिस्टम बताए, जिसमें कि मार्केटिंग है, जिसमें कि सेल्स है, और सिस्टम को डुप्लीकेट करना। ये चीजें हमने आपको बताई। इसमें आप अपने आप को खुद को देखिए कि आप के कहां पे कितने नंबर्स हैं, आप किस पार्ट में कमजोर पड़ रहे हो, उस पार्ट के ऊपर आप काम करना शुरू करिए। क्योंकि उस पार्ट पर्टिकुलर पार्ट को आप आइडेंटिफाई करिए, खुद की ग्रोथ खुद के हाथ में है। आप ये समझिए कि जहां पर आपकी कमजोरी है, ये केवल 10 स्टेप हैं, और 10 स्टेप के अलावा ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसमें कि आपकी ग्रोथ ना निकले। ये अगर 10 के 10 स्टेप बड़ी परफेक्ट रूप से आप करते हो, तो आपको इस बिजनेस के अंदर वो ग्रोथ मिल सकती है जिस ग्रोथ को आप तलाश रहे हो। आपको अपना छोटा सा परिचय दे दूं, यहाँ पे बहुत से लोग जो नए हैं, हमारे नए साथी लोग जो ज्वाइन किए हैं, अभी लगभग 45 लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर हैं। मैं इस बिजनेस में आने से पहले एक मैकेनिकल इंजीनियर था, और मैंने बीटेक किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, फिर मैंने एमबीए किया हुआ है। उसके बाद में मैंने अपने इस बिजनेस में आया वेस्टीज में, और मेरा कोई एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं बहुत दूर भागता था। लोग मुझे एमबीए का प्लान दिखाने आते थे तो मैं भाग जाता था। लेकिन जब मैंने ये वेस्टीज के बारे में सुना और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने डीप स्टडी किया, तो जान पाया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम अपने एफर्ट लगा करके अपनी कैपेबिलिटी और अपनी कैपेसिटी दिखा सकते हैं। तो मैंने इसको स्टडी किया, और आज से लगभग 20 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और इस पे बकायदा प्रॉपर स्टडी किया। मैंने 2-3 महीने तक स्टडी किया, उसके बाद में मैंने 3रे महीने में अपना डायरेक्टरशिप निकाला बिना कोई हेल्प, बिना कोई सपोर्ट के। मेरी जो अपलाइंस हैं वो राजस्थान में रहती हैं। उसके बाद में मैंने 8वें महीने में अपना क्राउन डायरेक्टरशिप पूरा किया, और उसके बाद में 16वें महीने में मैंने अपना यूसीडी का लेवल कंप्लीट किया, और आज की डेट में नेशनल मोटिवेटर स्पीकर भी हूँ, और टीम चैंपियन से मैं बिलोंग करता हूँ। और अपनी टीम को मैं सिर्फ डुप्लीकेट करने का सिस्टम सिखाता हूँ, मार्केटिंग सिस्टम सिखाता हूँ, सेल सिस्टम सिखाता हूँ। ये तीन सिस्टम होते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से अगर आप भी सीखते हैं, अपनी अपलाइन से सीखें, या मेरे से सीखें, या कहीं से सीखें, या यूट्यूब से सीखें, गूगल पे जाएं, जो भी करना है, अगर सीख के बिजनेस करोगे, साथ में बिजनेस करते रहिए, सीखते रहिए, तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप कैजुअल रूप में बिजनेस कर रहे हो, सोच रहे हो कि केवल मैं अपना बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा और उसके बाद में केवल 2-4-6 हमारी डाउनलाइंस जो है वो हमारा अपलाइन जो है वो डाल देगा और मैं बहुत बड़ी ग्रोथ पा जाऊंगा, तो शायद इसमें आप गलत रास्ते पे हो। इससे बेहतर है अभी आप जो काम, अपनी जॉब कर रहे हो या अपना दूसरा बिजनेस कर रहे हो, उसको फोकस करेंगे तो वहीं पे आपको ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर ग्रोथ के लिए प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना ही करना पड़ेगा। और जो हमने 10 पॉइंट बताए हैं, इन 10 पॉइंट पे आप अपने आप को नंबर दीजिए कि आपकी कमजोरी कहाँ पे है, और उसके ऊपर आप फोकस करिए। हमारे इस सिस्टम के अंदर जो लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम ये 10 के 10 जो पॉइंट्स हैं वो करते हैं 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर हम बंदे को ट्रेनिंग देके ट्रेन करके हम कंप्लीट करते हैं, और 2 महीने तक उनका हम फॉलो अप करवाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है। दूसरा बैच हमारा चालू हो चुका है, आपके ही स्क्रीन के ऊपर काफी लोग हैं जो कि दूसरे वाले बैच में हमारे ऑलरेडी ज्वाइन हैं। फर्स्ट बैच के हमारे 2-15 दिन निकल चुके हैं, अगला जो बैच चालू होगा वो 15 दिन के बाद ही चालू होगा, यानी 15 जुलाई से वो अगला बैच चालू किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, मर्जी आपकी है। अगर आपको तुक्के मार के बिजनेस करना है तो तुक्के मार के करो, सिस्टमैटिक करना है तो सिस्टमैटिक करो, बट करना है तो करना है, डेली बेस पे करना है, कैजुअल तरीके से बिजनेस को नहीं करना है। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे, और आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप लोगों को इसमें क्या सवाल उठे, क्या चीजें आपको इसमें समझ में आई, और कहां पे आपको समझ में नहीं आया, ये वन पेज का ग्रोथ प्लान। यस, एनीवेयर एल्स आप लोग अपने उधर से क्वेश्चनिंग कर सकते हो, अगर किसी को कोई चीज समझनी है, बात करनी है, अदरवाइज हम लोग इसको बंद करें। या टेल मी।